अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज डेली ब्लॉग का है day 19 और अभी मैं इस वक्त फैसलाबाद में हूँ। हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे हूँ। और अभी ईद का दिन था तो ईद की नमाज वगैरह हुई और ट्रेन वगैरह भी करते हैं। और अभी जाना है जंग, मतलब मेरा छोटा भाई है जो है जंग रहता है, तो मैं वहां पे जाऊंगा अभी। जी तो सर, स्टोरी कुछ यूँ है कि मैं जंग पहुंच गया था और अभी एक जो साथ है ये मेरा छोटा भाई है। हाँ यार, सीन कुछ ऐसा है कि मैं सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के हम लोग फैसलाबाद से निकले थे और तकरीबन अभी 2 बज चुके हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने आबाई गांव में। मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे बड़ा हुआ और मेरे साथ कुछ दोस्त भी हैं मेरे, चंद एक। तो ये रहे हमारे मेयर कृषि साहब और ये हैं उमर मिनहास और ये हैं स्टेट। मतलब हम यहाँ पे काफ़ी मतलब पिक्चर वगैरह वीडियो बनाते थे और ये इस समय तकरीबन हम भी खेल चुके हैं और सभी को मैंने लगाया था। तो जैसा कि मैंने शेयर किया था आपके साथ कि मैं अभी अपने भाई गांव में हूँ जहाँ पे हम रहते थे पहले। हम ये जगह होती थी, ये तकरीबन टोटल जो जगह है ये 20 मरले जगह है। मतलब इनमें से 10 मरले वो जहाँ तक दीवार है वहाँ तक, और इससे दूसरी तरफ 10 मरले जो मेरे अब्बू के से मैं थी वो सामने वाले 10 मरले थे, और ये जगह ताए अब्बू के से में थी। मतलब पहले जब हम इकट्ठे ही रहते थे तो मेरे ताए लोग इस तरफ रहते हैं, वो उनका घर दूसरी तरफ आता है, और यहाँ पे हमारा एक कमरा होता था बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा होता था। यहाँ पे 2-3 कमरे होते थे, एक दादी का कमरा होता था, मुझे याद है अभी भी वो तस्वीर। और फिर हमारा यहाँ पे एक कमरा था और साथ में वो वॉशरूम था जो टूटा हुआ है अभी, और साथ में वो दुकान होती थी हमारी छोटी सी, और ये सामने प्लाट होता था, ये यहाँ पे नलका, और ये चारदीवारी होती थी वो सामने जहाँ पे पिलर्स लगे हुए वो 2 नज़र आ रहे होंगे आपको, ये गेट होता था हमारा घर का। और तकरीबन हम आज से तकरीबन 10-1 साल पहले हम यहाँ से फैसलाबाद चले गए थे और फिर उसके बाद यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे ज्यादातर ना जो भी जो सभी कुछ लगाया हुआ है, मतलब इसमें मुख्तलिफ चीजें लगी हुई, जैसे ये माल्टों का दरख्त और मुख्तलिफ चीजें लगी हुई है यहाँ पे, वो सारा मतलब मेरे ताए बुजुर्ग पे होते हैं ना, तो वो सभी खुद खुद ही करते रहते हैं। एग्रीकल्चर का आप कह लेंगे थोड़ा सा है, शौक सा है, तो मुख्तलिफ चीजें लगाते रहते हैं। जैसे कि मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ सब्जियाँ वगैरह लगाते हैं, जैसे अभी थूम लगा हुआ है और तकरीबन सभी ट्राई सभी करते हैं और कुछ भी छोड़ा नहीं होता। और ये रहा यहाँ पे गुलाब के फूल लगे हुए हैं। ये दरमियान में हदूद थी, इससे जो जिस तरफ मैं खड़ा हूँ ये हिस्सा तायब कैसे में आया था, इसके जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा है वो मेरे अब्बू के से में आया था, यानी हमारे हिस्से में मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है और हम टोटल 5 चार भाई हैं जिनमें मैं और 10 छोटा भाई। तो मैं वापस घर जा रहा हूँ, उधर तो अभी मैं वैसे वेट कर रहा हूँ कि जब वो आए छोटा भाई और अब्बू बाहर गए हैं, वो आते हैं फिर हम निकलेंगे यहाँ से अपने नाना अब्बू की तरफ। वो खुशी हो कि रात को काफ़ी लेट हो गया था और अभी इस वक्त मैं आया था मामू की ज़मीन। और ये रहा, ये उनकी ज़मीन का हिस्सा आता है, यहाँ पे उनके जो राख होते हैं जिन्हें बोलते हैं, जो ज़मीन की रखवाली करने वाले वो हैं, और ये इस तरह ज़मीन है उनकी, कनक उन्होंने उगाई हुई है। और हेलो, अच्छा चल रहा है अभी तक। ये रहा, ये मामू का बेटा है, ये मदी एक बार खड़ा ही इसकी हाइट देख सकते हैं, और फिर छोटा है। ओके, तो पत्थर वगैरह जो थे वो काट लिए गए थे। और अगर यहाँ पे बात करो तो हम लोग जाए लेके जाते थे रेडी पे, मुझे याद है मैंने नाना को दिखा रहा था, मेरा कथा मेरे 2 कजन होते थे और हम लोग आते बहुत शरारते करते थे। हमें हमें कोशिश होती थी कि जो गद्दा था पत्थर खोता ऐसे बोलते हैं वो जल्दी भागे, मतलब जल्दी हम पहुँचे और हम दोनों आते होते थे। तो नाना अब्बू में बेइज्जती करते होते थे, गुस्सा करते होते थे। तो अभी इन दिनों नाना अब्बू की तबीयत काफ़ी नासाज है अल्लाह तआला उन्हें सेहत दे। और ये रही पन पठोगी, और इसका वेट होता है गालबन 50 किलो, 40-50 किलो ही होता है, ज़्यादा वेट नहीं होता, लेकिन खाना इसलिए मुश्किल होता है काफ़ी क्योंकि ये हजम में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हम नॉर्मली कोई डमर वगैरह या फिर पत्थर वगैरह तो खाते हैं तो उसमें होती है। मैं सोचा कि मानो थोड़े दिन चलने में जाने नहीं पाने तो सही भी है क्या तो
अभी फिर प्लान नहीं डाल दीजिए फंडिंग मेरे तो मैंने जैसा कुछ करा नहीं कोई मिल मतलब नहीं करा तो अभी मेरे हाथ वगैरह पे दो बाल वगैरह ये छोटा सा जख्म था हो रहा है, और ऐसे ही पाँव वगैरह बुरी हालत हुई पड़ी है मेरे पाँव वगैरह, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मतलब, बट यहाँ पे ऐसे सीन होता है। और सामने तूत भी है जो ऐसे ब्लैक कलर थे, वो बहुत है, मतलब अच्छे थे वैसे। इनके घर में भी लगे हुए जहाँ पे उनका वो डेरा टाइप होता है वहां पे भी है, लेकिन वो इतने मजे के नहीं थे। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि वो सामने जो है ना दरख्त है इस तरफ, तो वहां पे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अभी जाते हैं वहां पे, देखते हैं क्या सीन है, और फिर आपको दिखाता हूँ क्या सीन है। तो ये गधा वगैरह, ये तकरीबन, ये जो है ना, ये तकरीबन मुझे याद है ऐसे 12-13 साल तो मुझे देखते हुए हो गए इसे, कि हम इसी पे आते होते थे इसी। अभी इसकी भी एज काफी होगी। हाँ ये जो है ना, ये मेरे से 4 महीने छोटा है, और ये इससे तकरीबन कुछ माह बड़ी है, मतलब कुछ माह ही पहले की है। और यहाँ पे मतलब दरख्त के नीचे आप दरख्त देख सकते हैं काफी, मतलब अच्छा सा है। और ये रहा मंजा, इस पे लेटने का यार अलग ही सीन है। और ये रहा कुत्ता इनका, ये शिकारी कुत्ता है ये, मतलब यहाँ पे दूर दूर तक घर नहीं होते थे, इस वजह से नहीं देखने पड़ते। और ये रहे एक जो करीब से तूत तूत का बूटा था वो ये था। हाँ इस पे भी लगे हुए हैं, लेकिन इस पे वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, कुछ कुछ से हुए हैं वो, लेकिन जो वहाँ पे है वो चलते हैं वहाँ पे। मैंने ट्राई भी करा था, सच्ची में बहुत कमी होगी। और ये चीजें करें, ये मंजी है, और आप इसे ऐसे आए कौन से, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पत्ते चल रहे हैं। तो हाँ यार, सुनी कुछ है कि यहाँ पे अभी अब से जो मौसम चल रहा है ये गंदम का है, और आप देख सकते हैं हर तरफ गंदम ही गंदम है। और ये कुछ जगह पे आपको ये नजर आ रहा है, गन्ने का जो होता है इसे कमाद बोलते हैं, ये नजर आ रहा है। ये सिर्फ बीज के लिए होता है, और ये इन्होंने भी लगाया हुआ था लेकिन अभी यूज कर लिया, और ये थोड़ा सा बचा हुआ जिनमें से मैंने एक गन्ना लिया। और खाते हैं और देखते हैं, अभी टाइम काफी पड़ा है यहाँ पे क्योंकि इनकी थ्रेशर चली हुई है, ये है सरसों की। और जैसे गंदम की होती है सफाई, वैसे ही थ्रेशर से सरसों की भी होती है। अभी जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है, कितना क्या रहता है, चलते हैं। जी तो मैं अभी मौजूद इस वक्त जग में, और मैं भी हमारे गांव में वापस आ गया था आज मैं उधर से, और अभी रात का वक्त था, नहा धो के बाहर आया हूँ। और ये रहे मेरे, ये एक दोस्त है और ये साथ में कर रहे, ये मेरे दादा भाई हैं, और ये हम बाहर आए हैं, ये फ्लूदा वगैरह खाएंगे, सिगरेट वगैरह मेरे ताए बुक किए हैं। और अभी ये खाते हैं तो फिर जो फ्लूदा वगैरह रबड़ी भी है तो वहां पे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। हाँ यार, स्टोरी कुछ है कि हमने फ्लूदा वगैरह ट्राई किया, काफी अच्छा था एक्सपीरियंस, लेकिन अभी हम यहाँ पे आए हैं, ये पार्क पार्क स्वीट्स के नाम से है, और यहाँ पे रहे बात इनके, इनके पास शवारमा बर्गर मिठाई वगैरह सभी कुछ होता है, लेकिन अभी हमने जो लेना है वो एक शवारमा होगा और 3 रबड़ी होगा। मतलब फिर शवारमा जब फूल में बिल्कुल ट्राई नहीं करता, लेकिन एक्सपीरियंस करते हैं कैसा रहता, तो बने रहे वीडियो के साथ में दिखाता कैसा है। तो रिपोर्ट ये है कि आ गए रबड़ी का, और इन्होंने खाना शवारमा, इन्होंने रबड़ी नहीं दी। और अगर टेस्ट की बात करूं तो फिर पहले बहुत पीता था, पहले इतना रेट होता था, मतलब पीछे बात नहीं आते थे, पीछे होता था। प्राइसेस रहते थे छोटे क्लास के 20 रुपए और बड़े के 3। अभी प्राइसेस इंक्रीज होके 50 से 60 रुपए पहुंच गए। तो अभी ट्राई करके देखते हैं कैसा टेस्ट है। तो हाँ, स्टोरी कुछ यूँ है कि हम तकरीबन, मैं और एक मेरा दोस्त आए, हम काफी पहले से अगलबन, एक होता था जब बाइक भी सही से चलानी आती तब हम चीजें ऐसे मतलब जाते होते थे मुस्लिम बाग में, और दरख्त वगैरह लगे होते थे फल के, जैसे हम मुझे याद है अम्बिया, आम कच्चे आम होते हैं उन्हें अम्बिया बोलते हैं, वो तोड़ते होते थे। उसके बाद माल्टे, और ये है हम यहाँ पे, ये एक अमरूद का बाग, अभी वो गया हुआ है माल्टे तोड़ने, अमरूद तोड़ने, और हम ही देखते हैं कुछ। असल में आपको पता है सीजन वगैरह जो है ना वो खत्म हो चुका है तकरीबन, और अभी जो गिने चुने ही हैं आप ये देख सकते हैं, ये काफी लगे हुए हैं अभी वो गया हुआ है तोड़ने। मुझे वैसे भी ना इसकी जार से फील हो रही है क्योंकि मैंने कभी करा नहीं, वो रोज आते रहते हैं तो फिर उन्हें इतना है नहीं। एक ये छोटा सा तोड़ता हूँ, और मैं बात करता हूँ, उसने मुझे बोला था कि मैं वहीं पे वेट करूँ और वो आएगा तो देखते हैं, वो काफी ज्यादा लेके आएगा तो हमारे लिए इनफ होंगे, ज्यादा खाओ तो पेट खराब हो जाता है। अभी मैं बाहर आ गया, अभी खाते हैं तो बने। अभी गर्मी
मुझे याद है एक टाइम होता था जब हमारी जब बैग लेने जाते थे तो जेबें भरी होती, सलवार की जेब भी भरी होती और झोली भी भरी हुई होती थी और आते होते थे ऐसे ही वापस। यार मजे की बात यह है कि मैं वापस इस्लामाबाद आ चुका हूँ और यहाँ पे मौसम काफी ज्यादा अच्छा है। दो तीन दिन से बारिश ही हो रही थी यहाँ पे भी, अभी बारिश जाके रुकी है, सुबह से बारिश हुए जा रही थी। और अब मौसम चेक कर सकते हैं इस तरफ, अभी सूर्य ग्रूब होने का। और अगर इस सब की बात करें तो ये काफी खूबसूरत मंजर है। अभी ब्लू एरिया में हल्का हल्का रश भी है। आज फर्स्ट वर्किंग डे पर था इस्लामाबाद में। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल से हम दोबारा डेली व्लॉग्स डेली अपलोड करेंगे और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।